नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ज्यूमे के बारे में। जी हां, कॉन्ज्यूमे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली यही क्वेश्चन होता है, क्या स्टॉक और कॉन्ज्यूमे दोनों एक ही चीज़ होते हैं? तो सिंपल आंसर है नहीं, स्टॉक और कॉन्ज्यूमे टोटल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। कॉन्ज्यूमे हमारे स्टॉक का ही एक दूसरा आप रूप बोल दीजिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो हमारे सूप्स होते हैं वो चार कैटेगरी के होते हैं, थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल। इसमें से जो थिन कैटेगरी होती है उसके अंदर हमारे कॉन्ज्यूमे आते हैं। देखने में कॉन्ज्यूमे और स्टॉक दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्टॉक और कॉन्ज्यूमे दोनों बिल्कुल एक ही हैं। बट जिन्होंने भी कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज में पढ़ा होगा, उनको मालूम है दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से या क्या सावधानियाँ हमको रखनी होती है जब हमें कॉन्ज्यूमे बनाना होता है, जो कि बेसिक बातें हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इसके वेरिएशंस होते हैं, मतलब कि एक कॉन्ज्यूमे से आप कितनी सारी डिशेज या कितने सारे कॉन्ज्यूमे और प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सिंपल, अगर आप कॉन्ज्यूमे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा। स्टॉक अगर आपके पास नहीं है, आप पानी से कभी भी कॉन्ज्यूमे नहीं बना सकते हैं। आपको कॉन्ज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टॉक बनाना होगा। आप कॉन्ज्यूमे किसी का भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनली बीफ का ही बनता था क्योंकि एक ये फ्रेंच की डिश है या एक कॉन्टिनेंटल डिश है। उसके बाद आप चाहें तो चिकन का कॉन्ज्यूमे बना सकते हैं, फिश का, वील का, बीफ का, जिसका भी आपका दिल चाहे आप किसी का भी कॉन्ज्यूमे बना सकते हैं। इसमें बेसिक बोले तो हमारे जो स्टॉक होता है, और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है और क्लियर स्टॉक होना चाहिए, उसके अंदर जो चिकन के मीन्स को वेजिटेबल्स और हर्ब्स के साथ डाला जाता है, साथ में इसमें अंडे का प्रयोग किया जाता है, अंडे के वाइट पार्ट का, जिससे कि जो हमारे जो मीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है, सारा का सारा टेस्ट और फ्लेवर हमारे स्टॉक के अंदर आ जाए। क्योंकि बोन से जो फ्लेवर निकलने में, टेस्ट निकलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पर अगर हम लोग कीमा यूज़ कर रहे हैं या मीन्स यूज़ कर रहे हैं हम किसी प्रकार का, तो स्टॉक के अंदर हमारे जो कि ऑलरेडी एक स्टॉक होता है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ आ जाती है, जिसको कि हम लोग कॉन्ज्यूमे बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे लगभग 1 किलो मुझे कॉन्ज्यूमे बनाना है, तो मुझे लगभग 225 ग्राम किसी भी चीज़ का मीन्स लेना पड़ेगा। कीमा अच्छे से करिएगा, उसके बाद उसके अंदर मुझे डालनी पड़ेगी लीक्स, कैरेट, सेलरी, अनियन, बे लीक, पेपरकॉर्न, थाइम, हर्ब्स वगैरह आप लोग डाल सकते हैं। आपको कीमे के साथ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है। सब्जियों को आपको बहुत बारीक बारीक काटना होगा। आप चाहे तो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से नाइफ से भी काट सकते हैं। आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है अंडे का वाइट पार्ट। आप चाहे तो होल अंडा भी डाल सकते हैं, पर वाइट पार्ट के अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो आपस में सारे के सारी चीज़ों को जोड़ लेता है, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन का रूप है। आपने ये भी देखा होगा कई रेसिपीज़ में, आपने ये भी देखा होगा कि कॉन्ज्यूमे के अंदर पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, अंडे का जो छिलका होता था वो भी इस्तेमाल किया जाता था। पूरे के पूरे अंडे तोड़ के डाल दिए जाते थे, छिलके भी डाल दिए जाते थे, क्योंकि जो भी हम ये कीमा भी ले रहे हैं इसको खाना तो नहीं होता था, सिर्फ इसका फ्लेवर निकालना ही होता था। पर अब जैसे जैसे फूड सेफ्टी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है, तो लोगों ने छिलके का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आप भी मत कीजिएगा, बाकी ट्रेडिशनली तो चलता था। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने चिकन मीन्स के अंदर अच्छे से आटे की तरह गूंथ लोगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप आइस भी डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइस डालने से ये होगा जो आपका जो अंडे का जो वाइट पार्ट है वो कॉगलेट जल्दी से होगा। इसके बाद आपको अपने जो स्टॉक है, जो भी एक अच्छा क्लियर स्टॉक है, सबसे पहले उसको अच्छे से स्ट्रेन कर देना है। उसके बाद आपको उसको एक इस प्रकार के स्टॉक पॉट में रखना है जो कि काफ़ी लंबा हो। लंबा उसकी जो नीचे वाली जो आप बोल दे सकती है जो डायमीटर थोड़ा कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कीमा कम होगा तो प्रॉपरली वो सरफेस से फैल नहीं पाएगा। तो जिसका डायमीटर कम है वो यूज़ किए, पर उसकी जो लेंथ है, ऊंचाई है, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपको जो अपने स्टॉक को ठंडा लेना है, अब इस ठंडे स्टॉक में आपको ये कीमा और इस सारी की सारी जो भी चीज़ें उसको अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है, और एक बहुत ही तेज़ फ्लेम में उसे कुक करना है। अब तेज़ फ्लेम में कुक करने से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर अंडे भी हैं, तो सारा का सारा एक तरीके से आप बोल दीजिए झाग या एक फॉर्म जैसा जम जाएगा, जो कि आपकी सरफेस के ऊपर आने लगेगा धीरे धीरे करके। जब ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो सरफेस के ऊपर आने लगा है, आपको अपनी जो फ्लेम है उसको काफ़ी स्लो कर देना है, और आप देखेंगे ये फ्लेम जो ये फ्रॉथ है, ये पूरा झाग है कीमे का और सब्जियों का वाइट कलर का कम्प्लीटली हो जाता है। थोड़ा सा कम लाइट कम वाइट भी होता है, डिपेंड करता है किस प्रकार का मीट या कौन सा मीट आपने लिया है, तो वो जम जाएगा और वहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे करके बबल्स निकलने लगेंगे। और इसको आपको स्लो करके रखना है, लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे पकाना है। बीच बीच में आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको इसके अंदर नमक ऐड नहीं करना है शुरू में, बाद में आपको इसको नमक ऐड कर सकते हैं। जब आप देखेंगे 1.5 घंटे में आपका बिल्कुल एक क्लियर स्टॉक आपका बन जाएगा।
जब एक बार झाग या फ्रॉथ ऊपर आ जाए उसके बाद आपको इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप टच करते हैं तो आपका जो झाग है वो टूट जाता है और आपका जो स्टॉक है या जो आपका स्टॉक जो पहले था अब वो कॉन्ज़ूमे बन रहा है, कॉन्ज़ूमे आपका बिल्कुल ही डल कलर का हो जाएगा, आपके कलर आप बोल सकते हैं उसको बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाद में आप धीरे धीरे करके ऊपर एक छोटा सा होल करके छेद करके वहाँ से धीरे धीरे करके सारे स्टॉक को छान सकते हैं। आप एक मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल यहाँ पे करना है ताकि आपके जो भी अपना कॉन्ज़ूमे छान रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ ना आए। बाद में आप इसमें सॉल्ट एच कीजिएगा और कभी भी जब कॉन्ज़ूमे को कुक करेंगे आपको ज़्यादा समय तक कुक नहीं करना है क्योंकि वो क्लाउडी हो जाएगा। क्लाउडी आप शब्द यूज़ कर सकते हैं कॉन्ज़ूमे अगर आपका ख़राब हो रहा है या उसका रंग अच्छा नहीं है। अगर आप एक वाइट कलर के बॉल के अंदर अपना कॉन्ज़ूमे रखेंगे तो आप उसकी जो तली होती है वो आराम से देखी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने एक अच्छे कॉन्ज़ूमे को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और भी कई सारी कॉन्टिनेंटल डिशेस के बारे में तो मेरी जो बुक्स हैं आप वो ले सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा व्हाट्सअप का और मेरी वेबसाइट का, डिजिटल शेफ हब के नाम से है, वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब जब आपका कॉन्ज़ूमे रेडी हो जाता है तो आप डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल सबसे सिंपल वेरिएशन होता है जिसको कि हम लोग सेलेस्टीन बोलते हैं, इसमें कॉन्ज़ूमे के अंदर आपको अपने जो पैनकेक होते हैं उनकी जूलियंस को डाल के काट के डालना होता है। बहुत ही सिंपल है, फ्रेंच लोगों ने बहुत ही सिंपल चीज़ें रखी हैं, एक कॉन्ज़ूमे बनाई है, डिफरेंट टाइप की गार्निशेस डाली है और एक नया कॉन्ज़ूमे रेडी हो जाता है। इसके बाद आपको एक वर्मसली कॉन्ज़ूमे बनता है, आपने हमारी जो सेवियाँ होती हैं उसको आपको बॉईल करना है और अपने कॉन्ज़ूमे के अंदर डाल देना है। जब आप सर्व कर रहे हैं तो आपका एक कॉन्ज़ूमे वर्मसली बन जाएगा। इसके बाद आप कॉन्ज़ूमे दुबेरी बना सकते हैं। दुबेरी के अंदर आपके जो कॉलीफ्लावर के जो फ्लोरेट्स होते हैं छोटे छोटे फ्लोरेट्स काटिए, उनको सूप के अंदर डालिए, ब्लांच कर लेना है पर आपको यहाँ पे अनकुक नहीं छोड़ना है और आपका कॉन्ज़ूमे दुबेरी रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप पाइसन वेजिटेबल, जी हाँ, कॉन्ज़ूमे पाइसन के अंदर आप कोई भी एक कट्स ले लीजिए, चाहे डाइस ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, राउंडल्स ले लीजिए, उसको ब्लांच कीजिएगा सब्जियों को और अपने कॉन्ज़ूमे के अंदर डालिए तो आपका कॉन्ज़ूमे पाइसन बन जाएगा। इसके बाद आप फ्लोरेंटीन स्पिनिच हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ज़ूमे फ्लोरेंटीन अगर आपको बनाना है तो आपको अपनी जो पालक है उसकी जूलियंस को ब्लांच कीजिएगा, कॉन्ज़ूमे सर्व करना है। कॉन्ज़ूमे के अंदर आप अपने पालक की जो पत्ते डालिए और आपका कॉन्ज़ूमे फ्लोरेंटीन रेडी हो जाएगा। इसके बाद कॉन्ज़ूमे वॉशिंगटन होता है, वॉशिंगटन के अंदर आपको जो स्वीट कॉर्न के दाने होते हैं उनको ब्लांच करके अपने कॉन्ज़ूमे के अंदर डालना है। सिर्फ जिस समय आप सर्व करिए, सबसे पहले अगर आप डाल देंगे या बहुत लंबे समय तक उसको पकाएंगे तो वो एक तरीके से क्लाउडी हो जाता है, तो यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है जिसको कि हम लोग परमेंटियर बोलते हैं, इसके अंदर आलू के छोटे छोटे क्यूब्स को ब्लांच कर दिया जाता है और आपको कॉन्ज़ूमे के साथ सर्व किया जाता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से, और ये तो मैंने कुछ ही बताए, ढेर सारे वेरिएशंस हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च मारेंगे या मेरी बुक्स वगैरह भी देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज मैंने आपको सिंपली बता दिया कि कॉन्ज़ूमे क्या होता है, ये स्टॉक के का ही आप बोल सकते हैं एक बाद का वर्जन होता है, जो कि आज तक आप कंफ्यूज होंगे, आपका कंफ्यूजन दूर गया हो गया होगा कि कॉन्ज़ूमे और स्टॉक के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ भी नए क्वेश्चंस हैं, नए कमेंट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चलता है कि आपको एक्चुअल में किन वीडियो की ज़रूरत है। बाकी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और मेरी बुक्स भी आप ले सकते हैं और अपने नॉलेज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।